तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल हमने ये वाला ड्रोन मंगाया था, इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा है आप जाकर के देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और इस ड्रोन का हमने रिव्यू भी दे दिया है। तो दोनों वीडियो पे भर भर के कमेंट ये आ रहा है कि भाई इस ड्रोन का हमको रेंज टेस्ट करके दिखाओ कि इसका एक्चुअल में रेंज कितना आ रहा है, मतलब इस ड्रोन को हम कितना दूर तक उड़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही चीज़ आपको टेस्ट करने वाला है, इस ड्रोन का हम रेंज आपको टेस्ट दिखाने वाला है। स्टेबिलिटी वगैरह आपने देख ही लिया होगा और बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि M3 Max का हाउ टू फ्लाई वीडियो बनाओ, यानी कि मतलब ब्रशेस मोटर वाला ड्रोन को हम कैसे उड़ा सकते हैं। तो ब्रशेस मोटर वाला ड्रोन उड़ाना काफ़ी इजी होता है नॉर्मल ड्रोन के मुकाबले, जैसे ET8 हो गया या फिर ऑप्टिकल एवोडेंस जिसमें नहीं दिया रहता है ना, वो ड्रोन उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस ड्रोन के मुकाबले। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इस ड्रोन को रेंज टेस्ट आपको दिखाते हैं, कैसा रेंज टेस्ट इसका मिलता है और एक्चुअल में इस ड्रोन को हम कितना दूर तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास किए फटाफट इस टेस्टिंग को हम स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस ये रहा ड्रोन अपना, चलिए फटाफट से हम ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो अपना ड्रोन जो ऑन हो चुका है, चलिए रिमोट को भी ऑन कर लेते हैं। रिमोट भी ऑन हो चुका है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब चलिए 1 की टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस हमने 1 की टेक ऑफ बटन दबा दिया है और देख सकते हो ड्रोन जो अपना मतलब फ्लाई हो चुका है और मिनिमम हाइट पे आ चुका है और हवा इस जगह पे काफ़ी अभी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हो ड्रोन जो है काफ़ी स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए हम क्या करते हैं, ड्रोन को आगे भेजते हैं। वैसे बारिश भी आ रहा है, ये मत सोचना कि बारिश नहीं आ रहा है, आप लोग देख भी सकते हो मतलब ड्रोन पे काफ़ी बारिश के छींटे वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस ड्रोन को हम लॉन्ग रेंज टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि ये ड्रोन अपने यहाँ पे उड़ाना, इसको हम सीधे भेजते हैं आगे और देखते हैं कि मतलब आगे एकदम ज़्यादा हाइट तक जा पाता है कि नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं इसका जो मतलब 3 नंबर पे डाल लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसको हम देख सकते हो आगे भेज रहे हैं थोड़ा सा हाइट पे करके। तो गाइस देख सकते हो अपना ड्रोन है एकदम सीधे सीधे जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा तेज़ जा रहा है क्या ही बताए, क्योंकि भाई हवा चल रहा है ना इसके वजह से। तो गाइस अभी देख सकते हो ड्रोन जो है अपना काफ़ी ज़्यादा हाइट पे नहीं सॉरी काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है, मतलब अपना ड्रोन जो एकदम से वहाँ पे जा चुका है, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल ड्रोन का हाइट की बात करें, मतलब हाइट नहीं बेसिकली रेंज की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेंज देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया दिया थोड़ी देर पहले, मैं फिर भी वापस करके दिखा रहा हूँ। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है ना, इसकी वजह से मतलब बताने में और उड़ाने में ड्रोन को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका रेंज की बात करें तो रेंज भाई मस्त आपको देखने को मिलता है, मतलब रेंज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और रेंज हाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 100 मीटर के आसपास आपको रेंज देखने को मिलता है। और मैं इसको थोड़ा सा मतलब अब हाइट में आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कितना हाइट भी इसको भेज सकते हो। तो हाइट भी इसमें कम नहीं है, हाइट भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा मैं हाइट आपको उड़ा करके दिखाता हूँ किस टाइप का हाइट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा ड्रोन उड़ रहा है, अब इसको मैं ऊँचाई पर भेज रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो ऊँचाई भी काफ़ी इसमें मस्त आपको देखने को मिलता है, मतलब जितने नॉर्मली ड्रोन में हाइट मिलते हैं ना उतना हाइट इसमें भी मिलता है और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इतना ड्रोन ज़्यादा हाइट पे चला जाएगा ना क्या ही बताए। लेकिन ज़्यादा हाइट पे ले आओगे तो जो ड्रोन है ना मतलब अनकंफर्टेबल अनकंट्रोल सा उड़ने लगेगा, मतलब अजीब सा उड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब अभी ड्रोन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कभी आगे करोगे तो आगे नहीं होगा, पीछे करोगे तो पीछे नहीं होगा, नीचे करोगे तो नीचे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ऐसा इशू आपको देखने को मिलता है कभी कभी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको सही से उड़ाना पड़ेगा और हाइट वगैरह देख के उड़ाना पड़ेगा एडजस्ट करके। तो मतलब उड़ने में और रेंज और हाइट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भाई M3 Max जो हमने ड्रोन बॉक्सिंग किया था उसी टाइप का इसका हाइट वगैरह देखने को मिलता है। और देख सकते हो काफ़ी मस्त और काफ़ी स्टेबल उड़ने की कोशिश करता है ड्रोन, काफ़ी अच्छा ड्रोन है, अगर आप इसको बाय करना चाहो तो आराम से बाय कर सकते हो। तो गाइस फाइनली कंक्लूजन ये रहा कि इस ड्रोन को आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ऑब्वियसली भाई ले सकते हो। और आप लोग बहुत सारे लोग सवाल ये आ रहा है कि M3 Max ले या फिर इस ड्रोन को ले, तो मेरे हिसाब से इस ड्रोन को ले सकते हो आप लोग, अगर सस्ते में ये मिल रहा है तो इसको ले लो, नहीं तो M3 Max सस्ते में मिल रहा है तो वो ले लो, क्योंकि इन दोनों ड्रोन में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, उल्टा में यही बेटर ड्रोन मुझे लगा। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा हवा चलने के बाद भी आप देख सकते हो ड्रोन कितना ज़्यादा स्टेबल है, अभी इस जगह पे आपको पता नहीं चला होगा एक्चुअल में, अगर आप ड्रोन को खरीदोगे तो पता चलेगा ड्रोन इतना ज़्यादा स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है हवा चलने के बावजूद भी, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टेबल है। और हाइट भी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलता है और इसका रेंज वगैरह भी काफ़ी मस्त है और जो फ्लाई है काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं कुत्ते को हवा खिला देता हूँ ताकि उसको अच्छे से नींद वगैरह आ जाए, तो ये तो हवा खाने का नाम नहीं ले रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं है। इसको आपने पिछले वीडियो में देखा था, थोड़ा सा मैंने परेशान किया था कुत्ते वगैरह को, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या ही करें, वीडियो को एंड कर देते हैं। बाकी उड़ने में और फ्लाई वगैरह भी काफ़ी इसका मस्त है, काफ़ी अच्छा उड़ता है, डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो। लेकिन अगर 100 मीटर से इस ड्रोन को आप ज़्यादा हाइट पर ले जा रहे हो या फिर 100 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो आपका ड्रोन जो है मतलब अजीब सा उड़ने लगेगा, कभी कभी मतलब ऊपर नीचे या फिर इधर उधर भाग जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसको 100 मीटर के दायरे में ही उड़ाना चाहिए, कंपनी का क्लेम ये है,
और मेरा भी क्लेम यही है कि भाई 100 मीटर के अंदर दायरे में उड़ाओ ताकि आपका ड्रोन सेफ रहे और सिक्योर रह सके। तो देख सकते हो उड़ रहा है काफ़ी मस्त, हमने वन की लैंडिंग बटन दबा दिया और देख सकते हो काफ़ी स्मूथली लैंड भी हो रहा है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रहा है फिर भी स्मूथ है। तो ठीक है, बाकी कोई भी सवाल हो, सुझाव हो इस ड्रोन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बता सकते हो। और जो दो हमने वीडियो डाला था वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मस्ट जा करके देख लेना। और इसका फुटेज वगैरह की बात करें तो डेफिनेटली टॉय ड्रोन के हिसाब से ठीक ठाक फुटेज है, आपको अच्छा सा मिल जाता है। तो उड़ने में भी देख सकते हो काफ़ी सही से उड़ रहा है और देखो हवा कितना ज़्यादा तेज़ चल रहा है और देखो फिर भी कितना ज़्यादा स्टेबल है। बट ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ देखो, अभी इसका बैटरी लो हो गया है तो देखो टिक टिक जैसा आवाज़ कर रहा है, तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगता है ड्रोन में मिलता है। तो भाई मतलब जब बैटरी लो हो जाए तो आपका टिक 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 आवाज़ आता रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ऑप्टिकल एवोडेंस भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमने ऑप्टिकल एवोडेंस चालू कर दिया, अभी देख थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ। तो जब आपका मतलब कोई चीज़ देखेगा ना तो ये टिक 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 करता है, बहुत तेज़ टिक टिक आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं टिक टिक आ रहा है, वो देखो देखो अभी टिक टिक आ रहा है, चिल्ला रहा है, देखो 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 इस तरह से, मतलब कोई आसपास में चीज़ आएगा तो टिक 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 बहुत तेज़ करता है, क्योंकि भाई ऑप्टिकल इसका एवोडेंस है, मतलब काम करता है तब काम करता है जब भाई मतलब कुछ ज़्यादा आसपास में हो, और भाई सस्ते का है तो क्या ही कह सकते हैं। देखो अभी देखो किस तरह से टिक टिक आ रहा है, देखो इस तरह से जैसे हाथ अमित लगा रहा है तो देखो टिक 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 बोल रहा है ना इस तरह से। तो इसका ऑप्टिकल एवोडेंस वगैरह काम करता है। थोड़ा सा मैं जो वहाँ पर झाड़ी है, थोड़ा सा मैं झाड़ी के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं 3 नंबर पर डालता हूँ पहले, ये आगे भाग ही नहीं रहा यार, इतना ज़्यादा बैटरी लो गया है। तो चलो भाई मेरा बैटरी लो हो गया, अभी ड्रोन ऑफ हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम उठा लेते हैं। तो गाइस फाइनली कंक्लूजन ये रहा कि आप इस ड्रोन को बाय कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो या कुछ पूछना हो इस ड्रोन से रिलेटेड मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और नाइट फ्लाई भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रात में उड़ाने की कोशिश मत करना अगर आप बिगिनर हो तो, नहीं तो पता चलेगा ड्रोन कहीं उड़ के चला गया। इंस्टाग्राम पर इतने मैसेज भरे पड़े हुए हैं, ड्रोन लोग खरीद रहे हैं और ड्रोन उड़ के कहीं चला जा रहा है, गुम हो जा रहा है, खो जा रहा है। तो ऐसा नहीं, इसमें आपको 4 लाइटिंग भी देखने को मिलता है, देख सकते हो काफ़ी मस्त ये लाइटिंग लगता है देखने में। और ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।